हेलो एवरीवन इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी भी शब्द का या एक से ज्यादा शब्दों का छोटा फॉर्म शॉर्ट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्शन हमारी डेली स्पीकिंग लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें लेट्स बिगिन द वीडियो विल नॉट वॉन्ट आई वॉन्ट फॉगेट इट जिसका मतलब है मैं इसे नहीं भूलूंगा आई वॉन्ट फोर गेट इट सेकेंड एग्जाम्पल शी वॉन्ट कम वो नहीं आएगी शी वॉन्ट इज़ आई एम आई एम आई एम बाइंग सम ग्रॉसरी आइटम्स मैं कुछ किराने का सामान खरीद रहा हूँ ग्रॉसरी आइटम्स मतलब किराने का सामान नेक्स्ट आई एम बोर्ड मतलब मैं ऊब गया हूँ आई एम बोर्ड नेक्स्ट देर इज़ देअर्स देर इज़ नो वैकेंसी इन दैट कम्पनी उस कंपनी में कोई जगह खाली नहीं है बहुत बार होता है ना कोई हमसे पूछते हैं कि वहां वैकेंसी है कि नहीं तो आप बोल सकते हैं अगर वहां वैकेंसी नहीं है तो आप बोल सकते हैं देर इज नो वैकेंसी इन दैट कंपनी सेकेंड एग्जाम्पल देर इज नथिंग टू वरी अबाउट चिंता की कोई बात नहीं देर इज नथिंग टू वरी अबाउट नेक्स्ट हु इज हु कौन है हु इज देयर वहां कौन है सेकेंड एग्जाम्पल हु इज दैट गर्ल वह लड़की कौन है हुज दैट गर्ल नेक्स्ट कैन नॉट कांट आई कांट चीट एनी वन मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता आई कांट चीट एनी वन सेकेंड एग्जाम्पल आई कांट वेट मैं इंतज़ार नहीं कर सकता आई कांट वेट नेक्स्ट शुड नॉट शुडंट यू शुडंट शाउट ऑन हर तुम्हें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए यू शुडंट शाउट ऑन हर सेकेंड एग्जाम्पल यू शुडेंट है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था यू शुडेंट हैव के बारे में अच्छे से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा आप उसे फॉलो कर लीजिए उसमें पूरी डिटेल है और सेंटेंसेज भी हैं शुड एंड शुड हैव के ऊपर नेक्स्ट इज हैवेंट डिसाइडेड यट मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है आई हैवेंट डिसाइडेड यट सेकेंड एग्जाम्पल आई हैवेंट गॉट एनी मनी मुझे कोई पैसा नहीं मिला है आई हैवेंट गॉट एनीमनी नेक्स्ट यू आर योर यू आर वेरी स्पेशल टू मी तुम मेरे लिए बहुत खास हो यू आर वेरी स्पेशल टू मी सेकेंड एग्जाम्पल यू आर सो एरोगेंट तुम बहुत घमंडी हो यू आर सो एरोगेंट नेक्स्ट इज दैट इज दैट्स दैट्स ऑसम वह तो कमाल है दैट्स ऑसम सेकेंड एग्जाम्पल दैट्स ग्रेट टू हियर सुनकर अच्छा लगा दैट्स ग्रेट टू हियर नेक्स्ट इज दे हैव देव हैव अ अट डॉग उनके पास एक पालतू कुत्ता है दे हैव अ पैट डॉग सेकेंड एग्जाम्पल दे हैव मैरिड उनकी शादी हो चुकी है दे हैव मैरिड नेक्स्ट डिड नॉट डिडेंट आई डिडेंट कॉल यू मैंने आपको फ़ोन नहीं किया आई डिडेंट कॉल यू सेकेंड एग्जाम्पल शी डिडेंट मीन दैट यह उसका मतलब नहीं था शी डिडेंट मीन दैट नेक्स्ट इज नॉट इजेंट दिस इजेंट इंटरेस्टिंग यह दिलचस्प नहीं है दिस इजेंट इंटरेस्टिंग अनदर एग्जाम्पल ही इजेंट हैप्पी टुडे आज वह खुश नहीं है ही इजेंट हैप्पी टूडे नेक्स्ट शी इज शी इज शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ आर कॉलेज वह हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ आर कॉलेज Another example. एग्जाम्पल शी इज अ नाइस पर्सन वह एक अच्छी इंसान है शी इज अ नाइस पर्सन नेक्स्ट वी आर वेयर वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट हम पूरी तरह से अलग हैं वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट Another example. एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग आर बेस्ट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वी आर ट्राइंग आर बेस्ट नेक्स्ट इज यू आर योर यू आर एप्सोलूटली राइट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यू आर एप्सोलूटली राइट अनदर एग्जाम्पल यू आर नेवर गोना लेट मी डाउन आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे यू आर नेवर गोना लेट मी डाउन नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉट इज वॉट्स वॉट्स गोइंग ऑन हेयर यहाँ क्या चल रहा है वॉट्स गोइंग ऑन हेयर सेकेंड एग्जाम्पल व्हाट्स एप मतलब क्या हो रहा है व्हाट्स एप मैल थैंक यू सो मच गायस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉर गेट नॉट टू हिट द बेल आई कैन जस्ट राइट आफ्टर इट सो यू बी नोटिफाइड ऑफ ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज थैंक यू सो मच वंस अगेन